5 बजे उठ के मैं नहाली थी, नहा के मैं किचन में आ गई हूँ। और आज का रूटीन अलग रहेगा, ये भी उठ गए, मम्मी भी उठी है, तो बस मैं चाय चढ़ा रही हूँ और एक चाय चढ़ा के और इनको तो नाश्ते में कल ये कल जो छोले और कुलचे बनाए थे उनमें से एक दूंगी, और फिर आज बेचारा पाव भाजी बना देगा तो फिर ये आके पाव भाजी खाएंगे। तो गर्म करके और इन्होंने का मेरे को छोले और कुछ दे देना, तो मतलब रोटी चाय तो वो करूँगी। चलो बनाते हो जाए। तो इनके पराठों के साथ साथ ना चूचू की खिचड़ी भी ना मैंने चढ़ा दी है, और बस फिर जो बर्तन होंगे वो मैं क्लीन कर लूँगी, फिर ये जाएंगे, उसके बाद का रूटीन स्टार्ट होगा। तो ये जा चुके हैं और मैं और अथक बस जगे हुए हैं, और मम्मी सो गई है वापस और इल्लू सो रही है। ये रात 12:30 बजे तक इल्लू और अथक तो जगे हुए थे। चूचू वापस आ गई अपना फ्रेश फ्रेश होके, उसको दूध ब्रेड खिला दिया। अब ये लोग उठेंगे तब कोई रूटीन स्टार्ट होगा। और चूचू खिचड़ी भी हो गई तैयार, रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं। तो भी बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, दूध के साथ इनको एक बार बिस्किट देंगे
फिर इनके लिए जो रात के लिए कुलचे बचे हुए ना, मतलब कुलचे लाए थे तो ज़्यादा तो लगे नहीं, पर ये जो बचे हुए इनका पिज़्ज़ा बनाऊँगी चीज़ मार्गरेटा वाला, और हम देख लेंगे कुछ पराठे या ब्रेड वगैरह देख लेंगे। कहाँ उधर रखूँ, इधर इधर ही दे दूँ, रख जाइए। ठंड ज़्यादा है आज, गरम गरम में ही बैठे रहो। तो ये मेरा और मम्मी का नाश्ता है, दूध ले लिया है चाय बनाने की जगह दोबारा वाली, मैंने कहा चाय से अच्छा तो दूध ही होता है, तो दूध मम्मी का फीका है और मेरा मीठा। मैं सफाई कर रही थी, साथ ही साथ मम्मी जो है ना पाव भाजी के लिए सब्जियां कट कर रही थी, फिर बस उबलने चढ़ा देंगे। आज पाव भाजी का था तो जितना जितना मुझसे शूट होगा उतना उतना मैं शूट कर लूंगी। यहाँ पे ना वो हो चुका था, सफाई वगैरह का काम भी हो गया था, सब्जियाँ उबलने चढ़ा दी थी, और यहाँ पे ना मैंने ये कुलचे जो बचे हुए थे ना, तो बच्चों को बोल रखा था कि मैं चीज़ मार्गरेट का पिज़्ज़ा बना दूँगी, तो पहले मैंने घी लगाया, इसको एक साइड से सेक लूँगी, दोनों साइड से नहीं सेकूँगी, थोड़ा सा सिक जाएगा ताकि कच्चापन ना रहे, फिर इसमें सॉस और लहसुन की चटनी डाल दी, और फिर चीज़ डाल दूँगी और जो पिज़्ज़ा सीजनिंग थी वो डाल दूँगी, उसके बाद तवे पर रखूँगी दूसरी साइड से, और बस पिज़्ज़ा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो बच्चों को ये सब चीज़ अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो अथक आया है तो अपने हाथों से कुछ कुछ बना के खिलाते हैं। तो बस पाव भाजी और हमने क्या है कि खा ली थी, वो मैंने शूट नहीं किया, और बस ये आए थे तो हमने सोचा चलो अथक को घुमा देते, थोड़ा सा सिटी पार्क जो नया बना है यहाँ पे वहाँ पे ले जाते हैं, तो इन्होंने भी आके पाव भाजी खा ली थी, फिर हम निकल गए थे थोड़ा बहुत, तो फिर पार्क दिखाया और मानसरोवर में जो सिटी पार्क बना है, मम्मी से तो ज़्यादा चला नहीं जाता है तो थोड़ी दूर घूम के फिर मम्मी को तो बिठा दिया था, मैं भी मम्मी के साथ ही बैठ गई थी, और बच्चों ने पूरा पार्क इलू अथक और इन्होंने देख लिया था, पूरा पार्क इनको दिखा दिया था। मम्मी तो वो बच्चों के साथ साथ चल लेती है, मैं ज़बरदस्ती करती हूँ तो मम्मी कहती है कि मैं तो घर पे बैठी हूँ तुम लोग घूमियो, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि अकेले है ना बैठ के भी क्या करेगी, तो फिर ले जाती हूँ, लेकिन उतना मम्मी से चला नहीं जाता, चक्कर आते हैं मम्मी को डायबिटीज़ के कारण, और दवाइयाँ ले रखी होती हैं तो इसलिए।
तो पार्क से आते वक्त तो हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए थे। हम तो प्याज लहसुन सब खाते हैं ना, इसलिए हम तीनों ने तो वो खा लिया था। इन्होंने और मम्मी ने बिना प्याज का मसाला बनवाया था, फिर वो खाए थे। तो बस फिर हम घर चले गए थे। शाम का हमारा था कि जीटी, बच्चों का था कि जीटी जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो इनको बोल रखा था बाहर ही खाना खिलाऊंगी तुम लोगों को। तो फिर कान्हा में हमने खाना खा लिया था। इन लोगों ने भी अपनी चाइनीज प्लेटर ले ली थी, हम लोगों ने थाली ले ली थी। ऐसे करके तो 8 सवा 8 के करीब ही आए थे, 8:45 के करीब हम जीटी पहुंच गए थे। और जीटी पहुंचने के बाद इन्होंने वीआर किया और गेम वेम एक दो खेले और फिर जीटी थोड़ा सा घूमा और बस फिर खाना खाने कान्हा पे चले गए थे। तो बस ये था मेरा सुबह से लेकर रात तक का आज के दिन पे 3 तारीख पर यही रूटीन रहा मेरा 3 जनवरी को। तो थोड़ा बहुत जितना भी शूट कर पाई, ये लंबी वाली उन्होंने बच्चों ने बनाई थी अपनी शॉर्ट जो मिनी व्लॉग होता है ना वो। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।